आज शहीद स्मारक पर ये हमारी बहनें बेटियां खूब पहुंची हुई है। किसके लिए? हमारे हक के लिए। ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। शांति प्रिय तरीके से ये समर्पित और मैच्योर है, कोई बचपना नहीं है, न कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं, न कोई दिखावा चाहते हैं, न कोई संघ से जुड़े हुए हैं, न कोई संघ से मतलब है। ये अपने हक के लिए, अपनी बात के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो कोई गलत नहीं है। तो हमारे साथ में कीर्ति जी, बहन जी हैं, इनसे मैं आपसे बातचीत करके बताऊंगा। तो सरकार से इनका निवेदन है, दो शब्द कीर्ति बहन जी आपको बताने हैं। मैं राजस्थान सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 किए जाए। हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना मत सरकार के सामने रख रहे हैं और मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वो 31,000 से बढ़ाकर 50,000 गहलोत जी सरकार से यही प्रार्थना है कि 31,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी जाए, ताकि हमें जल्दी से जल्दी हमारा हक मिल सके, क्योंकि हमारे 125 नंबर आने पर हम श्योर नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और अगर हमें 50,000 चाहिए, क्योंकि आपने सभी लोगों को शामिल कर लिया है, बीएड वाले थे भी, हो एसएससी वाले थे, उन सबको शामिल कर लिया है, तो अब हमारे 31,000 से हो सके 50,000 कर दी जाए। ये गहलोत जी सरकार से हमारी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, अब हमारा ये जो रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार करें। धन्यवाद। मेरी गहलोत सरकार से एक ही मांगे, रीट के पद 31 से 50,000 की। इन बहनों की पुकार सरकार से एक ही मांग है कि रीट के पद 50,000। कई बातों को छोड़िए, आपने सीबीआई जांच भी करवा दी, धांधली पर भी आपने जांच करवा दी, एसओजी की भी जांच करवा दी, सारी जांच करवा दी। हम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन अब आखिरकार आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि इन बच्चों की पुकार सुनिए और इनके संघर्ष को देखिए। बच्चा 4 दिन से आज अनशन के ऊपर बैठा हुआ है, भूख त्याग कर, अन्न जल त्याग कर बैठा हुआ है, तो इस संघर्ष को आपको समझना होगा। और इनकी ये जो आज ये दे रहे हैं कुर्बानी, ये खाली नहीं जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।